बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10, मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे लग रहा है कि मुझे हर दूसरे दिन बाद ऐसे लगता है गले में शदीद दर्द हो रही है, कोई इन्फेक्शन इस तरह का है, हर दूसरा बंदा इससे मुतासर लग रहा है। सो बहुत ज़्यादा एहतियात की सभी को ज़रूरत है। ऑब्वियसली सब ने अपने कामों पर जाना होता है और हमारा तो मुसलसल बोलने वाला काम है, तो मुझे तो लगता है कुछ ज़्यादा ही वो प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये चाय और जुशांदा वगैरह जो है ये हेल्प काफ़ी कर देता है। अच्छा जी, हमने प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ जाना है, ख़बरों से हम आगाज़ करेंगे। कुछ अच्छी अच्छी खबरें नज़र आना शुरू हो गई हैं, फाइनली शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, आगे चल के भी ये सब चीज़ें ऐसे ही रहें, आम आवाम के लिए फ़ायदेमंद हों। कल शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाया, बड़ी बड़ी उम्मीदें, बहुत सारे लोगों का वाबस्ता है, बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है हमारे पास जितने एक्सपर्ट आते हैं हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप अच्छा सोचें तो अच्छा होता भी है, हर चीज़ का मुस्बत पहलू देखना चाहिए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि क्यों बार बार मुस्बत पहलू देखें, बड़ी दफ़ा हमने देख लिया है, हमेशा हमें मायूसी का सामना करना पड़ता है। जान लें एक चीज़ के मायूसी कुफ्र है, अल्लाह ताला आपके रास्ते सीधे कर देगा इंशाल्लाह अगर आप अच्छा सोचना शुरू करेंगे। अच्छा जी, मेहमानों ने 11 बजे ज्वाइन करना है और इसके साथ जिनकी बर्थडे है उनको भी विश करेंगे। हमने कुछ बात करनी है शहर की सफाई से रिलेटेड। आप अपनी शिकायत, अभी अगर आपके इलाके में सफाई नहीं हो रही, हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज है, मैं नाम के साथ अनाउंस कर दूंगी कि फ़लाँ इलाका है और फ़लाँ पर्सन ने हमें मैसेज किया है। सो प्लीज़ हमें LWMC से हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे। अगर आपके इलाके में सफाई के नाकस इंतजामात हैं तो आपके पास ऑप्शन है जी, आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी शिकायत ज़रूर अपने मेहमान के साथ भी डिस्कस करेंगे। अभी बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। गिरा फरोशी और मसनू महंगाई करने वाले हो जाएँ होशियार, महंगाई कंट्रोल करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी। हुकूमत पंजाब का लाहौर में कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान, वज़ीर आला का दुनिया भर से बेहतरीन मुआलिज लाने का वादा। यंग डॉक्टर्स ने तमाम अस्पतालों को OPDs बंद करने की धमकी दे दी, हुकूमत स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर पॉलिसी बनाए, सदर वाईडी। और इसके बाद लेस्को का सोलर सिस्टम के ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी लगाने का फैसला, ग्रीन मीटर्स का स्टॉक खत्म होने पर जदीद मीटर नष्ट किए जाएंगे। खबरें आप जान चुके हैं, डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर रजा खान साहब और वकास अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। वकास खुश हो जाएं, आप कुछ ऐसे टेंशन में लग रहे हैं, खबरें इतनी अच्छी अच्छी हैं, क्या सोच रहे हैं आप? अच्छा, मैं खुश तो बहुत हूँ। हाँ ठीक है, मुझे कुछ लग रहा है आप थोड़े से ना वो गुम गुम लग रहे हैं, जैसा कह रहे नहीं, मैं वो इमेजिनेशन में था कि अल्लाह करे जो नई हुकूमत ने वादे किए हैं और जिस तरह का आवाम को यकीन दिलाया जा रहा है, उम्मीदें दिला रहे हैं, अल्लाह करे वैसा कुछ हो जाए, तो मैं सोच रहा था अगर उससे 30% या 40% भी हो जाएगा ना, तो 3-4 साल बाद हमारे जो इश्यूज आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये तब हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो हल हो चुके होंगे। आपने बात की थी सफाई से, तो सफाई से मैं ये सोच रहा था कि अगर हमारी एक रवायत है भैया, तो वो बड़ी गलत सी रवायत है, हम घर का कूड़ा गली में फेंक देते हैं, तो अगर लोग भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लें और ताउन कर लें। बहुत अच्छी बात की आपने, तो मेरा ख्याल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने इतनी इतनी बड़ी गाड़ियों में लोगों को देखा रैपर गाड़ी के बाहर फेंक रहे होते हैं। अच्छा, वैसे हम भी ऐसे ही करते हैं, वेरी सॉरी टू से, हम भी इंटेंशनली अनइंटेंशनली ऐसा कर देते हैं, तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब मुसलमान हैं और इस्लाम कहता है, तो वो हमने सिर्फ कह लिया है कि मेरी सफाई जो निस्फमान है, आपकी चेयर टेबल और घर के बाहर बुरा फेंकना जो हमारा फर्ज है, तो ये मैं सोच रहा था। चले जी, अब हम आ जाते हैं आज की पहली खबर की तरफ। मुझे वकास थोड़े परेशान लग रहे थे, मैंने कहा चले वकास की तरफ ही चले जाते हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म बनाया गया है, ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा, ग्राम फरोशी जो करेगा उसको 3 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना होगा। अच्छा इकदाम है, अगर इस पर बहुत अच्छे तरीके से अमल दरामद भी हो जाए। आमिर भाई, अच्छी मजाकिया खबर है जी, और मैं इसका लुत्फ उठा रहा था इस खबर का, और ऐसी कॉमेडी गवर्नमेंट करती है, प्लीज ऐसे ना के। मतलब ऐसे ना क्यों, क्यों ना कहूँ, मुझे वही कॉमेडी है और मजाकिया है। आप एक दाल पैकेट में डाले और उसके ऊपर अपना कोई नाम ब्रांड, अना यूसुफ दाल, मतलब चने की दाल, आप उसको 1000 रुपये किलो बेचो, आपको कोई नहीं पूछेगा।
लेकिन अगर आप अखुरी मंडी से खुली दाल लेकर आएंगे तो आपको एक जुर्माना किया जाएगा। आपको पता है मेरे मोहल्ले में तमाम जो जनरल स्टोर्स हैं उन्होंने दालें चावल चीनी रखनी बंद कर दी है। वो कहते हैं जनाब हम नहीं रखते क्योंकि वो आ जाते हैं अच्छा। पर्ची लेकर और वो कहते हैं जनाब आप दाल महंगी बेच रहे हैं। अब इसका कोई सबूत नहीं कि आप महंगी बेच रहे हैं सस्ती बेच रहे हैं। कहते हैं मंडी से मुझे इस भाव मिली, मेरी तीन दुकान वालों से, मैं लिटरली ये आपको बात बता रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में हल्ला स्टोर है, हक स्टोर है, मैं नाम ले रहा हूँ, उन स्टोर्स पे चले जाएं आपको दाल नहीं अवेलेबल होएगी किसी पे भी। वो कहते हैं जी हम रखेंगे नहीं क्योंकि आप पैकेट में पैक कर कर उसके ऊपर आप कोई भी ब्रांड नेम लगा दें, कोई आप नक्शबंदी, कोई पता नहीं कौन सी कौन कौन सी ब्रांड का लगा दें, आप उसको 1000 किलो बेचो तो आपको पूछेगा कोई नहीं। मुख्तलिफ जो स्टोर है ना, एक काम आप जरूर करें, एक आपके पास एक बड़ा स्टोर है तो आप उसमें एक छोटा सा रैक बनाए जिसमें आप ये लिख दे डीसी रेट की दालें, और खैर गंदी दालें लिखना वो भूल जाते हैं, डीसी रेट की गंदी दालें जिसमें कीड़े चल रहे होंगे, वो कहेंगे जनाब डीसी रेट थे, लो ये कहाँ से ग्राफ रोशी आप कंट्रोल करेंगे, आप मुझे बताएं। आमिर भाई एक मिनट, खबर ग्राफ रोशी मुझे नहीं पता, मुझे आप मजाकिया खबर दे। मैं नहीं मजाकिया कर रही, मजाकिया खबर है, लीड स्टोरी लगी है, अच्छी खबर है, अच्छा होने जा रहा है, ये लीड स्टोरी है सिर्फ। आप मुझे नाराज हो जाएंगे उनकी खबर पे, 50 पैसे का फोटो कॉपी जो रेट लिस्ट की है, 50 रुपए का फी रेडी वाले को देकर जाते हैं आप लोग, तो आप ये सोच रहे हैं कि वो रेडी वाला उस 50 पैसे की जो 50 रुपए में खरीद रहा है, ये आप ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं, मैं इससे इनकार बिल्कुल। ग्राउंड रियलिटी तो यही तो है, मैं आपको बताऊं, ये बड़े जनरल जाहिद अली अकबर बने थे वापडा के चेयरमैन, तो उन्होंने उस जमाने में कुछ मार्शल का दौर था, तो उन्होंने एक एक फौजी जो है ना ये मीटर रीडर्स के साथ लगा दिया। और आपको पता है हमारे मोहल्ले में एक दूध वाले मेरे वालद साहब के पास आया था, अंदरून शहर की बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा बहू जी रेट बढ़ा था उन्हें, उन्होंने कहा क्यों, उन्हें कहा जो जरा साढ़े को पैसे लैके जाता से ना मंथली, उन्होंने कहता यार फौजी भी आया मेरे साथ कटना। अब मुझे बताएं उस बेचारे फौजी को पता भी नहीं होगा, चले लेट से उसको उसको तो दूर खड़ा करते थे। ऐसे ही है। ये 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना दिखा कर आपको पता है कितना पैसा रोजाना लाहौर की मार्केटों से उठाया जाएगा। ये आप फिर वो मैं वही बात करूंगा, आप तजावजात पे चले जाएं, लेट्स से ये सेम मॉडल हो जाना है, ये वो मॉडल है। अब मुझे पता क्या लगा, आप मुझे बताएं ये तजावजात का ऑपरेशन, रोज कमिश्नर पता क्या करता है, रोजाना कमिश्नर एक वो डालता है क्या, वो जो शेड लाला हुआ ना ऊपर प्लास्टिक का, उसको गिराने की फुटेज, आप कल की फुटेज उठा ले, नहीं तो मेरे मोबाइल में पड़ी है, मुझे पता है शेड गिराने की फुटेज, उस वो ट्रैफिक में क्या हर्डल डाल रहा था जी वो शेड, मुझे ये बताओ। और खारक नाले के साथ साथ आप चलते चले जाएं, वहां से आप क्योंकि लाखों रुपए मंथली लेते हैं, वहां कोई पूछेगा नहीं आपको, आप ये क्रीम ब्लॉक चले जाएं, मैं यही कहता हूँ क्रीम ब्लॉक, खारक नाल, सब्जाजार, हर जगह, ये आप पीको रोड किसी जगह पे चले जाएं, कहीं ये रेलवे की जगह है सारी, वो 200 रुपए सालाना लीज पर ली हुई है, 1000 रुपए सालाना ली, कौन सी लीज है, पार्क की जगह है वो ट्रेन के साथ साथ, अगर वहाँ खूबसूरत पार्क बन जाए तो क्या वो खूबसूरती नहीं आएगी। खारक नाले के साथ साथ बेशमार जगह है जहाँ दरख्त लग सकते हैं, पार्क बन सकता है, ना वहाँ नाले की सफाई होती है सिर्फ इसलिए कि आप मंथली लेते हैं, और फिर आप कहते हैं ग्राफ रोशी जो है जी उसको हम ये जुर्माने करके, ये आप उनका रेट बढ़ा रहे हैं अपने बंदों का, यही होगा, मैं आपको 100% ये बात बता रहा हूँ, यही होगा कि आपका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। सिस्टम देखिए सतह पर आमिर में कुछ नहीं मिलने वाला, आप ऐसे मायूसी की बातें कर रहे हैं, प्रॉपर एक वो सिस्टम बनाने जा रहे हैं, हो सकता है आप बन नहीं ना जाए सिस्टम, ऐ तो कलो बनवा लो यार, मेरे को तो नहीं बन। अच्छा मैं मुझे तो पता होना क्या है, नो डाउट आप ठीक कह रहे हैं, ये इश्यूज बाकी कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अब होने क्या जा रहा है, सूबाई सतह पर अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए काउंसिल बनाई जाएगी, तमाम डीसी अपने अपने जिले की कमेटियां बनाकर अशिया कोरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करेंगे, डीसी ने करना है, असल में डीसी के पास पूरी टीम होती है, वो टीम अभी क्या कर रही है, आमिर भाई की बातें हैं तो बिल्कुल सच्ची, लेकिन मैं कह रही हूँ ऑर्डिनेंस बना है, जुर्माना किया जाएगा, कम अज कम गिराफ फरोशी करने वाले कुछ होशियार तो होंगे, सिर्फ 2 मिनट। हमारे यहाँ एक पुलिस अफसर आया था, उसने ना ये इंस्पेक्टर को इकट्ठा किया, ये क्राइम रिपोर्टर साथ बैठा है, दाता साहब ने कुरान पे उठाया खोया, और वो पुलिस वाले बाहर आकर पता क्या पूछ रहे थे, यार है कुरान दा हलफ जरा चुका है, कफारा की गया, ये कफारा इनसे कुरान पे भी हलफ ले लेंगे ना, ये कफारा अदा करेंगे, किसी मौलवी से पूछ लेंगे इसका कफारा क्या है, और कफारा देकर वही काम करेंगे। ये ग्राम फरोशी ख़त्म होने वाली नहीं है जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराएंगे, और ये इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के होते हुए जो लोग पहले से ही तजावजात के नाम पर और ग्राफ रोशी के नाम पर पैसे कमा रहे हैं, नाकाबिले जमानत जुर्म होगा, महंगी अशिया फरोख्त करना, तो यही तो दिखाएंगे कि तनोकर अंदर कर देंगे,
तो फिर तेरी जमानत भी नहीं होनी, दे हुण पैसे 10,000 रुपये, यही होगा। अच्छा वो चले, हमें हमें चीनी जखीरांदोजी के स्कैंडल हमने माजी में देखे, हज़ार हज़ार टन भी चीनी पकड़ी गई है ना, तो FIR पता किस पे होती है? मुलाजिम पे, चौकीदार पे। ठीक है, जो आमिर भाई बात कर रहे हैं ना, नाउम्मीदी नहीं है या रियलिटी है। बेसिकली आपकी डिमांड, सबसे पहले आपकी जो सप्लाई चेन है ना, वो है बड़ों के हाथ में, उनको आप कुछ कह नहीं सकते। आप इस ऑर्डिनेंस के नाम पर करेंगे क्या? गली मोहल्ले के जो छोटे छोटे मजदूर हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं ना, वहाँ पर जाके FIR करके आप उसमें FIR में तो उसने तस्वीर नहीं लिखनी ना साथ, उन्होंने लिखना है अगर फलां जनरल स्टोर पे हमने रेड किया, हम गए वहाँ पे दाल सरकारी रेट ये था और वहाँ पे ये बिक रही थी। बात ये है कि जो सप्लाई कर रहे हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट जब बन रही है, अगर आप जब वो फैक्ट्री से निकलती है, गवर्नमेंट उसका रेट अगर डिसाइड कर दे और उसको ये उसको बाउंड करे कि भाई ये रेट होगा आपका, जैसे पूरी दुनिया में होता है, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई चेन में लोग अपना रीजनेबल प्रॉफिट रख के मार्केट में चीज़। अब होता क्या है, ये बकरी में सब वही बात है, लोग लेके आते हैं, 3 दिन बाद वहाँ पर रेट बढ़ जाता है। वो कहते हैं कि जी वो तो होल सेलर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी हमें तो फैक्ट्रियों से ऐसे मिल रहा है, तो हम आपको कैसे काम दे दें। सट्टे पे होता है दाल का काम, वहाँ से ले के प्रोड्यूसर से ले के होल सेलर पे कुछ नहीं किसी को कहना, जो बेचारा परचून वाला होगा उस पर उन्होंने FIR देना शुरू कर देती है। फिर दूसरी बात ये है, असल में होता पता क्या है, जब हुकूमतें भी इसी तरह सी हैं मॉडल पाकिस्तान में, जब मेरी बारी आती है ना, तो हम समझते हैं कि सारी चीज़ें आगे से वाइप आउट करके ना, तो मैं नया स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दूँ। ठीक है, जितना काम निगरान सेटअप ने किया, ठीक है, वो ऐसा लग रहा है मुझे, वो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें ना अब वो रिफ्रेश मूड पर उन्होंने डालनी शुरू कर दी हैं कि भाई अच्छा ये वक्त गुजर गया, अब हमने सारी चीज़ें अपने नाम के साथ नई से स्टार्ट करनी है। DCs के पास जो पहले इख्तियार हैं, क्या वो बेइख्तियार तो नहीं थे ना? इख्तियार है ना, तो फिर क्यों नहीं होता? चले ये भी छोड़ दे, एक एक्सरसाइज होती है पूरे साल में और रमजान के 30 दिन, 30 दिन आपकी हर चीज दुनिया में पूरी दुनिया में जो गैर मुस्लिम मालिक हैं वहाँ पर भी कीमतें कम कर देते हैं, सब्सिडी कर देते हैं, वहाँ पे घर जाकर तो थैले नहीं देते ना, स्टोर पर लोगों को आपको मिलते हैं। तो हमारे यहाँ पर रमजान में सबसे ज्यादा महंगाई होती है। सही कह रहे हैं। ठीक है, वो किस तरह से होती है? दूध दही ये चीजें, क्योंकि रूटीन की दूध दही मेरा सेव लिए मैंने, रास्ते में रुक के ना, तो कहता जी यार 200 रुपया 300 रुपये ना, मैंने कहा यार 300 रुपये ला सेव तो महंगा दे रहे हैं, 300 रुपये में दे रहा है, कहता बहू जी खा लो आ गया रमजान, यही तो 600 नहीं लग रहा। सही बात है। अच्छा उसमें जो बड़े माफिया एक ट्रांसपोर्ट का माफिया है जो, अच्छा वो लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं रमज़ान ईद आ रही है जी, उन ईदी भी शामिल होनी है। अच्छा उनकी भी मजबूरी होती है कि जहाँ जहाँ से उन्होंने गुजरना है, जो मंथली है उनकी, उनका रेट बढ़ जाता है, वो उसमें ऐड कर लेते हैं, फिर वो अपनी ईदी ऐड करते हैं। ठीक है, फिर जिनका सामान है, ठीक है, उन्होंने भी डिमांडे हैं, असल में तो अफसरों की डिमांड है, वो सारा जो एडिशन है ना, वो एक एंड कस्टमर पर आके निकलता है। यानी फिर हम ये समझे कि ना ही है, ये ना ही है, ये दुआ करें 3 लाख जुर्माने से लोग डर जाएंगे, इसका बेहतरीन नहीं, लोग तो डरेंगे, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, वो 3 लाख जुर्माना और कहीं नाकाबिले जमानत, ये भाई काबिले जमानत। सॉरी, एक शहर का बड़ा स्टोर है, मुझे नहीं पता नाम लेना है कि नहीं है, एक बड़ा लैब स्टोर है जिससे पिछले दिनों वो जाली इम्पोर्टेड अशिया भी पकड़ी गई थी। जाए ना उस स्टोर पे, आप करें सील उसको, नहीं कर सकते। नहीं, उसने वो लगाया जो है DC रेट की गंदी, तो ये 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना जो है ये कोई असर नहीं करेगा जब तक आपकी टीम मुतहरिक नहीं होगी इसको इम्प्लीमेंट कराना, और ये जो आपके अंदर ही लोग माफिया की सूरत में बैठे हैं प्लीज इनको निकालें, तभी आवाम को रिलीफ मिल सकेगा। बाकी रह गई पंजाब हुकूमत क्या कर रही है इस पे, मेरे ख्याल से खुद मरियम साहिबा भी अगर एक्टिव होंगी तो शायद कुछ हालात बेहतर हो जाए। मरियम साहिबा वैसे बड़ी एक्टिव हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं वो आपको दिखाते हैं ब्रेक के बाद, आपको ज्वाइन करते हैं। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा आजकल खासी एक्टिव नज़र आ रही हैं और अच्छी मसरूफियात उनकी नज़र आ रही हैं, मोहसिन नकवी साहब के नक्शे कदम पर चलती हुई नज़र आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, उसी के फुट स्टेप पे इसने पांव रखना शुरू किया है, तो मेरा ख्याल ये कामयाबी हुई। हाँ। जिस तरह से लोग अब मोहसिन नकवी को याद करते हैं और जिस तरह
काम के हवाले से उसको आप देखें ना, जिन जिस स्कूल में गई हैं बच्चियां बड़े खुशी से जाकर बताएंगी, अपना अपना पांव उसी पांव के निशानात पे रखती चली जाएंगी। तो मेरा ख्याल है इनकी वो जो जमात की सर्वाइवल है वो इसी में है। और खुद इनके इनका पहला, क्योंकि टेनोर है, पहली दफ़ा ये असम्बली में गई है, पहली दफ़ा ही वजारत आला मिली है, फिर बाप का काम है, चचू का काम है, उसके बाद अगर ये इसी तरह के काम करते रहे। लेकिन खुदारा मेरा ये इल्तमास है कि मरियम लाहौर से बाहर भी निकले। हाँ, गो के हमें नहीं कहना चाहिए, हम लाहौर का चैनल है, लेकिन लाहौर से बाहर भी दुनिया इनको अब इनका इंतज़ार करिए। मोहसिन नकवी की खासियत ये थी कि वो जितना वक्त लाहौर में देते थे उतना जनूबी पंजाब में देते थे, जितना जनूबी पंजाब में देते थे उतना सेंट्रल पंजाब में देते थे, तीन तीन चार चार जगहों पर जाते थे। इसी तरह के विजिट्स होने चाहिए और स्कूल्स में होने चाहिए, बगैर बताए होने चाहिए। और जिस तरह से वो छापा मारा करते थे, उन्होंने जब वादा रोड स्कूल पर छापा मारा था ना बॉयज़ में, तो वो पता चला था ना कि पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट कब से बंद है, गंदगी वाशरूम्स में कैसी है, कि क्लासरूम में जाना बच्चियों से मिलना बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें मुझे कोई इतराज ही नहीं है, बड़ी पॉजिटिव है। आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, आपको बच्चों से बात करना चाहिए। आपके आप लैक इसी में करते हैं कि आपके जो आपके बड़े हैं वो अपने खुशामदियों के अंदर डूबे हुए हैं। आपको निकल कर वाम में जाना है। आपने कल प्रोटोकॉल नहीं लिया, दफ्तर में दो चार लोगों ने मुझे ये बात बताई कि यार आज हमने देखा कि मरियम ने बगैर प्रोटोकॉल के एक इशारे पे थी। वो बाद में खैर उसकी तस्वीर भी किसी ने मुझे शेयर की, मेरे नईम गिलानी भी बता रहा था कि यार आज मरियम बगैर प्रोटोकॉल पे। देखिए ये वाइब्स हैं जो कि अगर आज आना शुरू हो जाए तो बंदा अवामी हो जाता है, और अवामी हो जाए तो फिर अवाम उसको ना भूलती है और ना अवाम उसके काम को भूलती है। आपको अवामी होना पड़ेगा, आपको मज़ीद जो है इस तरह के काम करना चाहिए, मज़ीद स्कूल्स में जाना चाहिए और स्कूलों की हालत ज़ार जो है बेहतर करना चाहिए। हाँ ठीक है, आपने कहा कि प्राइमरी को मिडिल और मिडिल को हम हाई सेकेंडरी सेकेंडरी स्कूल बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छा इकदाम है। मेरे गांव का भी स्कूल है पाकपतन में, तालब अली खान में, वो भी भाई का फ़ोन आया था कि यार इसको प्राइमरी से मिडिल करा दो। मेरा ख्याल है मरियम को दरख्वास्त दूंगा कि वो तालब अली खान में एक स्कूल है, प्राइमरी से मिडिल करा दो बस उसको। लेकिन ये फुटेज देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि सीएम साहिबा हैं, बच्चियों के साथ बैठी हैं, वकास एक बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही है। अच्छा, जो पॉलिटिकल लीडर होता है ना उसको दो फ्रंट पे काम करना पड़ता है। एक होता है कि डिलीवर करना है कुछ पब्लिक को, और दूसरा होता है कि सेल्फ प्रोजेक्शन और पार्टी की ओपिनियन आपने पब्लिक के माइंड में इंजेक्ट करना होती है। और नून लीग को अभी ये दोनों इशूज़ पे, दोनों फ्रंट पे काफ़ी ट्रबल है, और मेरा ख्याल है उन्होंने डिसाइड किया कि वो पब्लिक ओपिनियन की तरह पहले जाएंगे। आपने आमिर भाई ने बात की कि मोहसिन साहब के फुटप्रिंट्स को आप वो फॉलो कर रही हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा उनसे इख्तलाफ ये है कि मोहसिन साहब नया फेस थे, उनके सारे विजिट निकाल के देख लें वो कंस्ट्रक्टिव थे। वो किसी कोई भी उनका जो विजिट था वो इस तनाजुर में नहीं था कि उनकी सेल्फ प्रोजेक्शन हो। इवन हम लोगों ने भी जब मोहसिन साहब वहाँ पर जाते थे तो जिन इशूज़ को वो टच करते थे वो मेरे और आपके भी जहन में नहीं होते थे कि ये इशूज़ भी सीएम देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इनको तो मैं तो सजेस्ट ये करूँगा कि आप मोहसिन साहब को फॉलो ना करें, क्योंकि वो फ्रंट से लीड करने वाले थे, वो लोग उनको अपनी राय दे सकते थे, उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते थे, ब्यूरोक्रेटिक हो या उनके अपनी टीम के लोग थे। ठीक है, नहीं वो माजी का हिस्सा हो गया, हम उनको तो हम देखें, हम अगर मोहसिन भाई चलना तो क्या हजरत मुज़दार रहमतुल्लाह के वो जो है आमिर भाई आप गुजारिश है, बात तो सुन ले, पॉलिटिकल वही है ना, आप तो कह रहे हैं कि सर आप बात तो सुन ले, मैं तो इसलिए पूछा है सर आप बात तो सुन ले। पहली बात ये है कि बुज़दार साहब माजी का हिस्सा बन चुके हैं, जहां हुआ है ना अच्छा काम जो था ना वो अच्छा काम ये है कि अगर इन्होंने मोहसिन साहब के फुटप्रिंट पे चलना है तो जिन इशूज को आइडेंटिफाई वो कर गए हैं बैठे वो इश्यूज को सॉर्ट आउट करें, डिलीवर करें, ओपिनियन खुद खुद चेंज हो जाएगी। वकास से खबर बड़ी अच्छी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे वालिद साहब इस मर्ज से गुजरे हैं, और जब हमें कोई हॉस्पिटल नहीं नजर आता था, कहीं इलाज नहीं नजर आता था, तो यकीन माने कि कोई आसरा कोई उम्मीद नहीं नजर आती थी। ये कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, मेरे ख्याल से इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकती है। अगर मरियम साहिबा ये कर देंगी तो ये एक बहुत बड़ा। अच्छा, मुझे पहले तो हम दूसरी वीडियो पे बात कर रहे थे तो मुझे नहीं पता था कि आपने ये आगे वाला सवाल कर देना। मैं कहता हूँ कि पब्लिक फैसिलिटीज जो भी पब्लिक के लिए बन रहा है वो अच्छा है, और ये पब्लिक का राइट भी है, और जो हमारे कुमार उनका फ़र्ज है कि वो ये काम करें। अच्छा, इसमें मेरी एक छोटी सी सजेशन है, आप लाहौर में मल्टीपल इशूज़ हैं, मैनेजेरियल इशूज़ हैं, इन्वायरमेंट के इशूज़ हैं,
तो अगर गवर्नमेंट जो है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कैंसर हॉस्पिटल का, अगर ये शहर से निकाल के कहीं बाहर बना दें, ठीक है। अब देखिए ना, या अगर यहाँ पे 100 पेशेंट आने हैं ना, तो उसमें से 60-70 पेशेंट बाहर के एरिया से आना है, जहाँ सहूलियात अच्छी मिल सकती है। हाँ, तो पेशेंट आ भी रहे हैं तो कोई इशू नहीं, नहीं है, उसमें प्लीज अच्छी चीजें होने जा रही हैं। मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि ना बनाए, आगे से आगे अगर मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि ना बनाए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब जहाँ पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इनिशिएट करती है, ये इकोनॉमिक रूल है, जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है सारी जो ग्रोथ है वो वहाँ पे होती है। Obviously. तो आप अभी लाहौर के हवाले से, सिर्फ एक सिटी को मैनेज करने के हवाले से मल्टीपल चैलेंजेस का शिकार है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो एक फ्रेश स्टार्ट है ना, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपने जीरो से स्टार्ट करना है। तो हम पिछले सालों में इतना, पिछले प्रोग्राम में इतना डिस्कस कर रहे थे ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से, एनवायरमेंट मैनेजमेंट के हवाले से। तो अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो अगर हम लाहौर से कहीं बाहर बना देंगे, तो जो शहर को इश्यूज फेस करने पड़ते हैं ट्रैफिक एनवायरनमेंट के, मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करती हूं। गुजरांवाला बना दें, दरमियान में कहीं बना दें, मैं इस बात से अग्री नहीं करती। नहीं नहीं, मैं इस पे जवाब दे दूं। मेरा ना थे सलमान रफीक जो इसके थे हेल्थ मिनिस्टर थे, और वो देखते भी इन्हीं चीजों के थे। मैंने इनसे यही सवाल किया, मेरे ज़हन में भी आया, मैंने कहा यार आप एक जगह पे पीआईसी मौजूद है, वो भी आप दूसरा हॉस्पिटल भी बना देते हैं, आप शहर से बाहर क्यों नहीं बनाते? उसका जवाब पता क्या था? कहता आमिर भाई डॉक्टर ही नहीं जाते वहाँ। अब ये देखिए, अब कहता अच्छा, ये प्रॉब्लम ये है हमारा, छोटे इलाकों से आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं केई में, वापस अपने इलाके में जाने को तैयार नहीं होते। बलूचिस्तान से आते हैं पंजाब में पढ़ने के लिए, वापस अपने इलाके में पोस्टिंग लेना नहीं चाहते। कहता ये इतना बड़ा इशू है कि no उनको वो कहते हैं जी हमें लाहौर जैसी फैसिलिटी दे दे, हम चले जाते हैं। अच्छा सर, इसमें एक मसला है, एक सजेशन है, एक आपने बात की है, सजेशन दे। मैं तो जिस एरिया पे आपने अभी शिफ्ट किया है बॉल्टन एयरपोर्ट, उस जगह पे आपने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर दी, उसके साथ आपने उससे नियर बाय यूईटी का कैंपस भी चला गया, वहाँ पे आपने कालाशकाकू स्पार को सारा उधर चला गया, ये मुरीद के रोड पे आपने ये बॉल्टन एयरपोर्ट शिफ्ट कर दिया, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी ना आप लाहौर में शामिल। तो ये आप, इसका मतलब ये है, मैं आपको यही तो बता रहा हूं। तो सर अगर मैं यही कहना चाह रहा था, आपकी आपकी जितनी फैसिलिटीज लाहौर में है वो किसी दूसरे शहर में नहीं है, इवन पिंडी या फैसलाबाद या गुजरांवाला। ये आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हो, ये मैं ये कहता हूँ मुल्तान में, लेकिन मैं तो कहती लाहौर में भी होना चाहिए, क्यों अच्छा, नहीं एक होना बात तो ये है कि कैंसर हॉस्पिटल जिनको बनाना चाहिए था, सारे 3-4 साल हुकूमत की, उन्होंने एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। सही कह रहे हैं, और उसी कैंसर के नाम पे चंदे पे पले वो लोग, सही कह रहे, मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, उनको ख्याल जहन में भी नहीं आया कि यार इसका सरकार। और मैं उस वक्त भी आपको याद है ये खप डाला करता था कि भाई ये चंदे से जो अस्पताल बनाता है इसको सरकारी हॉस्पिटल इसने कौन सा बनाया है, कौन सा बनाया, कोई तो मुझे बताएं कि कैंसर का हॉस्पिटल कौन सा सरकारी बनाया था जहां आम आदमी को कैंसर का, बाकी कौन सा हॉस्पिटल बना दिया? कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। अब ये एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है और ये एक तरह से समझे शहर से बाहर, हाँ शहर इसके अंदर आ जाएगा। ये वैलेंशिया जो है रायविंड रोड के साथ की आबादी है, नई आबादी है, यहाँ अभी शहर बनने जा रहा है तो यहाँ पे बना दे। आपके पास आगे जब रोडा कंप्लीट हो जाएगा वहां पर अच्छे हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, वहां बना दे। लेकिन जो बन रहा है उसको बनने दे, इसको शहर से बाहर लेके जाना या ना लेके जाना अलग बात है। सख्त जरूरत थी हमें एक अच्छे कैंसर हॉस्पिटल की, बिल्कुल आपने सही कहा। इससे पहले ये पहला तो नहीं है, पहला तो मोहसिन नकवी साहब ने शुरू करा दिया मनावा में कैंसर हॉस्पिटल, म्यू कैंसर हॉस्पिटल के नाम से, क्योंकि म्यू हॉस्पिटल का जो पूरा शोभा कैंसर से व्यवस्था था, जी उसको बोलते थे शोभे को, उसको वहां मुंतकिल कर दिया गया, वहां पे भी इलाज होता है कैंसर का। लेकिन ये एक प्रॉपर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मैं कहती हूँ चलिए वकास की बात ठीक है, लाहौर से बाहर भी ये हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन जहाँ कहीं कुछ अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि मरीज बेचारे बहुत पार होते हैं, कैंसर केयर हॉस्पिटल बहुत दूर है लोगों को, वहाँ पर भी फैसिलिटेट अच्छे तरीके से किया जा रहा है, लेकिन सरकार का हॉस्पिटल हो जहाँ मरीजों को इक्वली तमाम सहूलियात मिले, वक्त की अशद ज़रूरत है। हम एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, अभी हम आ रहे हैं जी हमारी फोर्थ न्यूज़ जो है, ग्रीन मीटर्स का स्टॉक ख़त्म होने पर जदीद मीटर्स नस्ब किए जाएंगे, लेस्को का सोलर सिस्टम के ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी लगाने का फैसला, क्या मामला है? ये बड़ा अच्छा मामला है जी, और ये मेरा ख्याल है कि ये अब सब जगहों पर यही होना चाहिए। आपकी जितनी यूटिलिटीज़ हैं, जैसे गैस है, जैसे बिजली है, जैसे पानी, ये एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, इसमें जो लाइनमैन है उसका रोल ख़त्म हो जाता है। अच्छा, सीधा सीधा
जो आपको ये ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं जी मैं आपको मीटर पीछे कर देता हूँ आगे करता हूँ ख़त्म, ये रेडियो वायरलेस सिस्टम के जरिए आपकी जो कंपनी का हेड ऑफिस है वहाँ पर और मेरे पास, यानी मैं जो कंज्यूमर हूँ या कस्टमर हूँ उस कंपनी का, उसके पास उसका डाटा आता है। मैं जब देखना चाहूँ कि मेरे आज कितने यूनिट इस्तेमाल हुए हैं और उसकी प्राइस क्या है, आज मैंने इतने इस टाइम से लेकर इस टाइम तक, तो ये सारा मेरे पास डाटा आ जाएगा। ये सिर्फ सोलर पे नहीं होना चाहिए। मैं ये सिर्फ मेरा ये मैं तो कहता हूँ तमाम मीटर इस पे होना चाहिए। अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक पानी के मीटर्स एडवांस मीटरिंग। अब ये आपकी ख्वाहिश रहेगी कि तमाम मीटर्स ऐसे हो जाएं। आप मीटरिंग करने जा रहे हैं ना वाटर की, तो आप अभी से वो चाइना की कंपनी को छोड़े, आप अमेरिका की कंपनी कुछ महंगी होगी लेकिन AMI पे आए। मुझे पता है मैंने पानी इस्तेमाल किया तो कितना किया, कितना किया ये मैंने जाया किया है, या मैंने हफ्ते में 4-5 दफा 6 दफा अपने बाहर वाला कारपोर्ट धोया या गाड़ी धोई है तो कितना पानी मैंने खर्च किया है। अच्छा इसी तरह बिजली पे आ जाए, AMI मीटर सिर्फ उसके लिए, ये ग्रीन मीटर खत्म हो जाएंगे, चले टू वेज हैं तो ये खत्म ही हो जाएगा कि जी वो आएगा और वो लेगा क्या उसको बोलते हैं लाइनमैन, और वो आपको अलग से ब्लैकमेल भी करेगा यार रीडिंग करके कर दी पीछे करती, आपके पास भी डाटा आ रहा होगा जो रिकॉर्डेड होगा और कंपनी के पास भी वही डाटा होगा। ना आप उसको क्लेम कर सकते हैं, ना कंपनी आपको क्लेम कर सकती है आपने बिजली ज्यादा इस्तेमाल की है, ना इसको छेड़छाड़ की जा सकती है। तो AMI जो है मैं ये समझता हूँ कि एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये लागू होना चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त खबर है, मैं इस खबर को देख कर खुश हुआ था कि चले ऐसा तो हुआ। और दूसरा, कंपनीज के भी मीटर्स लगा दें खुदा रहा, ये चोरी जो है बिजली की, इसमें कंपनीज को अगर आप 1 लाख रुपए की बिजली दे वापडा, उससे 1 लाख रुपए ले ले उसको, कब तू पूरा करना था। तो जब ये इस तरह का सिस्टम बन जाएगा, ये इतने मुश्किल काम होने नहीं वाले हैं। इतने मुश्किल काम क्यों मुश्किल है? नहीं, ये कौन करेगा? अच्छा, काम हम यहाँ जहाँ हिस्से बांटेंगे होते हैं वहाँ कौन ये करेगा? ये आपकी बात सही है, मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं। 10 साल पीछे चले जाए आप, टेक्नोलॉजी की वजह से आसानियां तो हुई हैं ना, चीज़ें भी बेहतर हुई हैं। हमारी स्पीड स्लो है लेकिन हम चले तो उस डायरेक्शन में ना, मतलब आप कहते हैं ये प्रोजेक्ट 10% डिलीवर कर सकता है, तो एटलीस्ट हमारे पास ये एक्सपीरियंस तो आया ना कि इसको 30-40-50% में ले जाया जा सकता है। जैसे एक वक्त था कि आपको कंप्लेन करने के लिए ऑफिस जाना पड़ता था, ठीक है, उस फिर हेल्पलाइन आ गई, डिजिटल कंप्लेंस आ गई, मीटर कोई अगर बिल की प्रॉब्लम थी तो तब भी आपको ऑफिस जाना पड़ता था, एक ही बंदा बैठा होता था, उसकी मर्जी होती थी, वो एक्सेप्ट करता था कि नहीं था। टेक्नोलॉजी की वजह से बिल पेमेंट सबसे बड़ा मसला होता था, लाइनों में लगे सारा सारा दिन लगे रहते थे, ऑनलाइन पेमेंट हो गई तो कुछ आसानियाँ हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, लोगों को आसाइशें देनी हैं, तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हमारे होने चाहिए। और मेरा ख्याल ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट ही है कि जो कंज्यूमर जो ब्लेम करता है, एक्विजिशन करता है स्टाफ की तरफ, वो किसी तरह से उसको मिनिमाइज किया जा सके। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, अब ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। एक और माफिया का जिक्र कर लेते हैं जो कि हर दौर में बेकाबू भी रहा है, हर दौर में ब्लैकमेल भी करता रहा है और हर दौर में परेशान भी करता रहा है। अच्छा जी, यंग डॉक्टर ने तमाम अस्पतालों की OPD बंद करने की धमकी दे दी है। डराना धमकाना धमकाना क्या इन मसीहाओं का काम है वकास? पहले माफी मांगता था, मेरे अल्फाज सख्त हूँ तो, कामचोर, ब्लैकमेलर, ठीक है, धमकियां तो वो देते हैं, ठीक है, इन पे तो मैं कहता हूँ कि इन पे तो इनको मुल्क बदर कर देना चाहिए। आपकी आप ओथ ये उठाते हैं कि मैंने कोई भी सिचुएशन हो मैंने पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना, तो भाई आप OPD और कभी एमरजेंसी बंद करके फिर दूसरी बात ये है कि भाई आपके मसाइल क्या है? नहीं, अवाम की खातिर बताते हैं, हम इत्तेजाज कर रहे हैं। कौन से अवाम के साथ? उसी अवाम को वापस, आप देखे ना, अगर एक भावलपुर से बंदा आता है मेयो हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए और आगे से पता चले जो डॉक्टर साहब जो है वो तो मौजूद ही नहीं, डॉक्टर साहब आपके राइट की बात कर रहे हैं, बेसिकली वो आपकी गाड़ी की बात कर रहे हैं ना, तो आपने तो जो खिदमत करनी थी आवाम की वो तो पता चल गया सबको। और फिर गवर्नमेंट ने इनको इतना बर्दाश्त किया है, पिछले 5-7 साल से तो हम देख रहे हैं इनको, ठीक है, यही इनके इश्यूज खत्म ही नहीं होते, ये तो वो घर वो सास लड़ाई वाली इन्होंने मैं तो अपने साहब की करियर के आगाज से इनको देख रही हूँ, क्योंकि जेल रोड पे हमारा दफ्तर था, वहाँ आए दिन एहतजाज करके उन्होंने ये थे लाडले रोड बंद, हाँ, ये थे लाडले रोड बंद किया, इनसे कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इनको लाडला बनाया गया और ये ना एक कल्ट बन चुके हैं, ये खत्म करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल है खत्म करनी पड़ेगी। ये माफिया यहाँ पर पता नहीं क्या करना चाहते हैं। बात तो ठीक है उनकी कि उनके साथ बैठकर बात की जाए
और उनको जो उनका मुतालबा है कि उनको घर बैठ कर तनख्वाही दी जाए, एक के बाद एक देनी चाहिए, इनको घर बैठा कर तनख्वाही देनी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी मुलाजिम। आपने कभी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने बंद किया हो? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? क्योंकि अगले लम्हे वो नौकरी से निकाल देंगे। गवर्नमेंट जॉब का प्रॉब्लम ये है कि जो सरकारी मुलाजम हो जाता है ना, वो समझता है कि मैं अब इनका दामाद हो गया हूँ सरकार का, तो वो दामाद की तरह से ही ट्रीट कर रहा होता है। वो जो खराब और गंदे दामाद होते हैं ना, उसी की तरह ट्रीट कर रहा होता है, जिनके जहन में फितूर होता है। तो ये आते हैं खिदमत के नाम पे। आज आपने दे दिया है मुझे कसम से, ये कच्चे के डाकू से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। आपने इनका ऑपरेशन होना चाहिए। मोहसिन नकवी ने किया था ऑपरेशन इनका, और उसने इसको ट्रीट किया था, उसी से मरियम भी राय ले और इनको ट्रीट। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, शहर में एक ज़बरदस्त मुहिम चल रही है जी, शहर को साफ सुथरा रखने के लिए, जिसको सीएम साहिबा ने नाम दिया है जी, सुथरा पंजाब मुहिम का। जोरों शोर से ये मुहिम जारी है। शहर की सफाई एक बहुत बड़ा और बहुत अहम टास्क है, और ये टास्क निभा रही है जी LWMC। अब सीएम साहिबा हमें खासी एक्टिव भी नज़र आ रही हैं, फील्ड में हमें दौरे करती भी नज़र आ रही हैं। अभी जो सुथरा पंजाब मुहिम शुरू की गई है, सो इसके अहम फीचर्स क्या हैं, सफाई मुहिम को किस तरह से लेकर चला जाएगा? अगर हम स्पेसिफिकली शहर लाहौर की बात करें, तो शहर लाहौर में इस सुथरा पंजाब को लेकर किस तरह से सफाई सुथराई का अमल जो है उसको जारी रखा जाएगा? फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है आवाम का, मतलब आप मुहिम चला रहे हैं तो जो लोग मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं उनको वहाँ के मसाइल ज़्यादा पता है। तो मैं ज़रूर ये भी चाहूँगी कि आपका फीडबैक भी लाजमी आना चाहिए। अब मुहिम के तहत आपके इलाके में सफाई हो रही है, नहीं हो रही है, इससे पहले क्या सिचुएशन थी, प्लीज़ अपनी राय से आगाह कीजिए। ये शहर हमारा और आपका है, इसको हम सब ने मिलकर इसका ख्याल रखना है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ चलें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने घर की तरह अपने शहर को भी साफ रखें। आप सड़कों पर जा रहे हैं, आप पार्क्स में जा रहे हैं, आप अपनी गली मोहल्लों में अगर हैं, तो प्लीज़ अपने शहर की सफाई का ख्याल रखें, अपने घर की तरह अपने गली मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखें। अगर किसी पार्क में जा रहे हैं, सड़क पर हैं, ग्रीन बेल्ट्स में रैपर ना फेंकें, जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। अपने मेहमान का तारुफ कराना चाहूँगी, बाबा साहब दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, CEO LWMC हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सुथरा पंजाब मुहिम चल रही है, CM साहिबा ने खसूसी हिदायत जारी की हैं, कुछ फीचर्स बताइएगा इस मुहिम के। इसमें ऐसा है कि CM साहब के का जो विजन है वो पूरे पंजाब को साफ़ करने का है। उसी जो कैंपेन है जिसके अंदर गांव और शहरी इलाके दोनों शामिल किए गए हैं, और पूरे पंजाब के ऊपर फोकस है। हमारा पार्ट चूंकि लाहौर से रिलेटेड है, तो लाहौर पे मैं ज़्यादा बता सकता हूँ। प्लान जो है वो यही है कि सुथरा लाहौर का जो प्लान है वो ये है कि लाहौर को हर तरीके से जो है वो एक दफ़ा ज़ीरो वेस्ट किया जाए, एनिमल वेस्ट, CND और ग्रीन वेस्ट, इन तमाम चीज़ों से। वो जो कोई बहुत कुछ ऐसे जगह भी होती हैं जहाँ पे काफ़ी अर्से से कूड़ा पड़ा होता है, उनको क्लियर किया जाए। और वो अगर कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे पब्लिक फीडबैक के साथ, जहाँ पे हमें किसी सर्विस को इम्प्रूव करने की अपनी ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव भी किया जाए, तो ये प्राइमरीली सुथरा। अच्छा बाबर साहब, शहर में ऑलरेडी तो सफाई का एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसको फॉलो किया जाता है। अक्सर आप बताते हैं कि डिफरेंट शिफ्ट्स में काम हो रहा होता है और मुख्तलिफ इलाकों से वेस्ट कलेक्शन होती है। मुझे ये बता दीजिएगा, अब इस मुहिम में नया क्या ऐड किया गया है, इस मुहिम को कैसे लेके जाया जा रहा है, कौन कौन से इलाके फोकस है? जी इसमें मैडम ऐसा है कि मुहिम के अगर हम LWMC की बात करें, तो CM साहिबा के विजन को हमने 3-4 तरीक़ों से ट्रांसफॉर्म किया है इन टू आर ऑपरेशंस। उसमें नंबर एक ये है कि जो हमारी हेल्पलाइन है 1139, उसके अंदर जो कंप्लेंट्स हैं उनको पहले 48 आवर्स में एड्रेस किया जाता था, उसको हमने रिड्यूस करके 24 आवर्स उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कर दिया है। तो अब अगर कोई भी लाहौर का शहरी 1139 पे कॉल करे और हमें बताए कि ये इलाका है मेरा, ये घर है, ये मोहल्ला है, एड्रेस आप स्क्रीन पे नंबर भी चला दें 1139, इस पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपके इलाके में सफाई नहीं हो रही है या आपके इलाके में कोई सफाई से रिलेटेड मसाइल हैं, तो आप हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी शिकायत। अब हेल्पलाइन पर किस तरह से
कॉल को फॉलो किया जाता है? मैडम हेल्पलाइन पे हमारे पास पूरा एक कॉल सेंटर है जहाँ पे हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं। नॉर्मली क्या होता है ना, आप हेल्पलाइन पे कॉल करें पहले तो जल्दी कोई कॉल ही नहीं उठाता, और अगर कोई रिसीव कर ले तो फिर मुश्किल है उस पर अमल होता है। जी आप इसकी हमने डेली रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाया हुआ है बड़ा, इसको अब स्ट्रिक्टली मैं भी डेली बेसिस के ऊपर मॉनिटर कर रहा हूँ। तो वी रिसीव अराउंड 300 कंप्लेंट्स अ डे, सफाई से रिलेटेड होती हैं, कुछ हमारे ज्यूरिसडिक्शन में हैं, पर उन 300 कंप्लेंट्स को अब डेली बेसिस के ऊपर रिजॉल्व किया जा रहा है। तो मैं इस प्रोग्राम के तवसुत से तमाम लोगों तक भी मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि वो ज़रूर इस फैसिलिटी को अवेल करें, 1139 पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएँ, इंशाल्लाह 24 आवर्स में वो रिजॉल्व होगी। और इसी सीएम साहिबा के इस विजन को लेते हुए कि हमने लाहौर को साफ रखना है, हम एक स्पेशल एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं। इट्स अ मोबाइल एप्लीकेशन जिसके अंदर कोई भी शहरी जो है वो लाइव तस्वीर खींच के अगर उसे कहीं पे कचरा या कूड़ा नज़र आता है वो खींचेगा, टैग होके वो ऑटोमेटिकली हमारी फील्ड टीम्स तक पहुंचेगी, रिजॉल्व करके उसका स्टेटस जो है वो हमारी मैनेजमेंट तक डेली बेसिस पे शेयर होगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है जी। तो ये इसका हम नेक्स्ट वीक इसका इफ्तिताह भी कर रहे हैं, तो आई थिंक ये भी इसका भी मकसद ये है कि बेहतर सर्विस डिलीवरी दी जा सके और फीडबैक मैकेनिज्म को बनाया जा सके अगर लाहौर कि किसी भी रहने वाले को कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व किया जा सके। सही। तो शहरी लाहौर के ये मसाइल जो हैं खास तौर पर इन पर ध्यान भी दिया जा रहा है और इन पर अमल भी किया जा रहा है, सफाई सुथराई को लेके आपका फीडबैक बहुत जरूरी होता है। सर हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, CULWMC हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सुथरा पंजाब मुहिम चल रही है, सो सफाई किस तरह से हो रही है सर, वेस्ट कलेक्शन इसमें शामिल है या फिर वॉशिंग वगैरह भी रूट्स की जा रही है? जी मैडम, एक वेस्ट कलेक्शन चूँकि ये मेजर ऑपरेशन होता है हमारा और लाहौर में जैसे कोई 5000 टन ऑफ वेस्ट जनरेट होता है उसकी कलेक्शन एक बड़ा चैलेंज होता है। इसके अलावा जो लाहौर को साफ रखने के लिए जो बाकी इकदाम किए जाते हैं उनको भी हमने इन्हेंस किया है, जिसके अंदर स्क्रैपिंग ऑफ रोड्स है कि जहाँ पे रोड साइड्स के ऊपर डस्ट एक्यूमुलेट हुई होती है उनको मैनुअली स्क्रैप किया जाता है। इसी तरीके से मैकेनिकल स्क्रैपिंग होती है जहाँ पे हमारे जो ट्रैक्टर लोडर्स हैं वो ब्लेड्स के थ्रू स्क्रैपिंग करते हैं, सिमिलरली वैक्यूम स्वीपिंग होती है और फिर मैकेनिकल वॉशिंग है। तो ये चार मेजर फीचर्स हैं जिसके थ्रू लाहौर को साफ रखा जाता है, इन सबको भी इन्हेंस किया गया है। जो वॉशिंग एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी मेजर रोड्स के ऊपर होती है, उनको हमने अपनी 5 मेजर रोड से बढ़ा के जिस तरह हम स्मॉग के टाइम्स में 69 रोड्स तक कर रहे थे उनको हम उस तरह हमने उसे एक्सटेंड किया है। और सिमिलरली जो वैक्यूम स्वीपिंग और मैकेनिकल स्वीपिंग है उसके नंबर ऑफ किलोमीटर्स जो हैं उनको भी बढ़ा के 200 किलोमीटर पर डे के लिहाज से हमने उसको उसकी एक्सपेंशन की है। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो कि मिल के इसमें मैनुअल वर्क भी इन्वॉल्व है, इसमें मैकेनिकल वर्क भी इन्वॉल्व है और इसके अंदर हमारी जितनी जदीद मशीनरी है उसके इस्तेमाल से ये सारे काम हो रहे हैं। चलें जी, अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा क्या कुछ कैटेगरी बनाई गई है शहर की कि ये ए कैटेगरी की हमारी जो है मुहिम का हिस्सा होंगे, ये इलाके ये बी कैटेगरी में होंगे, क्या सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है? मैडम इसमें यह है कि कोई ऐसी कैटेगरीज तो LWMC के लिए कोई ऐसी कैटेगरीज नहीं है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो लाहौर में जैसे इवन एरियाज हैं अगर कोई डिपार्टमेंट उसकी टैक्सेशन कर रहा है तो उसने भी उसकी एक कैटेगरी बनाई हुई है, कोई सर्विस डिलीवरी दे रहा है तो उसकी भी कैटेगरी मौजूद है, चाहे वो इवन वो डिपार्टमेंट जो कि सड़कें बना रहे हैं तो सड़क की भी एक कैटेगरी होती है। ठीक है। तो LWMC के पास तो ऐसी स्पेसिफिक कैटेगरीज नहीं है, हमारे पास डिवीजन रूरल और अर्बन की ज़रूर है कि ये रूरल यूसीज हैं, 26 रूरल यूसीज हैं और ये हमारी अर्बन यूसीज हैं। बट अगेन हमने जो जो एरिया होता है, जो लोकेलिटी होती है उसके लिहाज से कई दफ़ा कुछ एरियाज़ के अंदर रिसोर्सेज को एक्सपेंड किया जाता है जहाँ पे कमी आ रही हो या जहाँ पे कोई शिकायत आ रही हो, जहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा हो, और ये प्राइमरली ऐसा है। ओवरऑल लाहौर जो है वो 274 यूसीज में डिवाइडेड है। ठीक है। तो ये तमाम यूसीज हमारे लिए जो है वो सेफ सिटी के कैमरों से कैसे मदद ली जा रही है? अभी हमने मैडम ये सीएम साहब की डायरेक्शंस के ऊपर ही हमने सेफ सिटी के साथ एक MOU किया है, उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं, तो अब हमारे रेप्स जो हैं वो सेफ सिटी के अंदर लाइव बैठे हैं और वो लाइव हर घंटे के बाद सेफ सिटी के कैमराज उन कचरों को डिटेक्ट कर रहे हैं पूरे लाहौर से और वो रिपोर्ट हमारे बंदों के पास जाती है, हमारे रेप्स जो सेफ सिटी के अंदर मौजूद हैं वो हमारी ऑपरेशनल फील्ड टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी क्लियरेंस कराते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है जिससे हमारा जो
हमारी आंखें या कान जो है वो सेफ सिटी एक किस्म का बन गया है, तो हमें उससे हर घंटे के बाद एक रिपोर्ट आ रही है कि लाहौर शहर में जहाँ जहाँ सेफ सिटी कैमराज मौजूद हैं वहाँ पे इन जगहों के ऊपर वेस्ट मौजूद है जिसे बाबर साहब जो कूड़ा टैक्स लगने जा रहा है इसको जरा एलैबोरेट कर दीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई नया कूड़ा टैक्स लगने जा रहा है, ये एक पुराना प्लान बना हुआ है जो कि है, कोई नई ऐसी कोई नया टैक्स ऐसा कोई प्रपोज नहीं हुआ मुझे। सही। अच्छा, अब ये है कि सफाई होना एक अलहदा चीज़ है, अब गली मोहल्लों से हमेशा लोगों की, क्योंकि हम देखते हैं जब ऐसी कोई स्पेशल मुहिम चलती है ना तो कुछ मॉडल रोड्स मेन शाहराओं पर तो सफाई होती है, गली मोहल्ले निगलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, उस पर भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। सो गली मोहल्लों की सफाई तो डिस्टर्ब नहीं। मैडम इस वक्त ये ऐसी बात सिचुएशन है कि लाहौर की जितनी मेजर रोड्स हैं आपने शायद ही कभी लाहौर इतना साफ देखा हो, जो हमारी मेजर रोड्स में तो आपने मेरा नहीं ख्याल कि कभी इतना साफ देखा होगा। जो इनर एरियाज़ हैं, इस कैंपेन का मकसद ही ये है कि इनर एरियाज़ के ऊपर जो फोकस है वो करके उनको भी एक दफ़ा जो है वो क्लियर किया जाए। बाकी एक ये बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे लोगों से भी आप लोगों की हैबिट्स और बिहेवियर जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक एक स्ट्रीट के अंदर एक मोहल्ले के अंदर आपको पता है कि जिस तरह लोगों का आना जाना भी शहर में रहता है, हज़ारों की तादाद में दूसरे शहरों से लोग हर रोज़ यहाँ आते हैं, तो थोड़ा सा हमें खुद भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। बाबा साहब मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि अगेन लाहौर के तमाम लोगों को कि LWMC बहुत एफर्ट्स कर रही है इस वक्त आपके लाहौर को साफ रखने में, CM साहिबा के इस विजन को ट्रांसफॉर्म करने में, तो लोगों को हमें अगर हमने सुथरा पंजाब सुथरा लाहौर जो है उसे सक्सेसफुल करना है तो उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होगी। हम पूरे हर UC में अवेयरनेस वॉक्स और कैंपेन्स भी कर रहे हैं, उनका मकसद भी यही है कि लोगों के साथ मिल के उन्हें ये मैसेज दिया जाए कि LWMC की बिन्स को यूज़ करें, हमारे कंटेनर्स को यूज़ करें, 6,000 से ऊपर ये कंटेनर्स मौजूद हैं और हम प्लॉट्स में कचरा फेंकने की बजाय और जहाँ कहीं आपको लगता है कि कंटेनर की रिक्वायरमेंट है लोग आपको आप 1139 के ऊपर कॉल करें, आपको अगर आपको लगता है कि आपके गली मोहल्ले के करीब अब इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च होने जा रही है, तो बड़ी आसान चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। नाज़िन ब्रेक होगी, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम मुख्तलिफ फील्ड के माहिर लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ही स्पेशल सलाहियत से नवाजा होता है और वो उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाते हैं। हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हजरात ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने कमाल महारत दी है और ये कमाल महारत वो अपने कलम के थ्रू जो है वो दिखाते भी हैं। बहुत ज़बरदस्त काम इस टाइम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अली हमजा कैलीग्राफर हैं जिनका ये बहुत ज़बरदस्त काम है। सो वो ये कमाल किस तरह से दिखाते हैं उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह काम आपका बहुत खूबसूरत है और ये एक स्पेशल सलाहियत होती है मैं तो कहती हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कब से आपने कैलीग्राफी स्टार्ट की? मैंने 2016 के अंदर कैलीग्राफी स्टार्ट की थी। और कैसे प्लान करके की थी, एक्सीडेंटली की थी? एक्सीडेंटली, ये अल्लाह की तरफ से ही था कि अल्लाह पाक इस फील्ड में मुझे लाना चाहते थे मैं भी, तो इस वजह से। शौक भी था क्या? यस, बहुत ज्यादा। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से लिया? क्योंकि बहुत सारे लोग जब फील्ड में आना चाहते हैं ना तो वो उनको उनके लिए गाइडेंस होती है ये चीजें, इसलिए हम चाहते हैं जो कामयाब लोग हैं उनके एक्सपीरियंस भी शेयर करें। सो स्टार्ट कहाँ से लिया? बेसिकली मैं जब 8 क्लास में था तो मेरी हैंड राइटिंग अच्छी थी, कट मार्कर यूज़ करता था। अच्छा। तो मेरे एक उस्ताद साहब हैं, उनका नाम है सर अतीक साहब, तो वो बड़ी अच्छी पेंटिंग वगैरह बनाते थे और कैलीग्राफी करते थे, तो मैंने उनको देख के मैं काफ़ी इंस्पायर्ड था, तो उनके पास मैंने अक्सर चले जाना और उनसे मैंने थोड़ी सी मश्क ले लेनी, तो वहीं से शौक पैदा होते होते फिर मैंने दूसरे मेरे उस्ताद साहब हैं अशरफ साहब, ठीक है, उनसे मैंने फिर प्रॉपर उर्दू हैंड राइटिंग सीखी नस्तालीक फॉन्ट। और यानी ये बेसिक्स हैं जो हर किसी को स्टार्ट में सीखनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मेहनत कितनी करनी पड़ती है, कब आपको लगता है कि प्रॉपर कितना टाइम आपने लिया जब आपने स्टार्ट शुरू किया तो कितना वक्त लगा? मैं 1 ईयर मुझे लगा था, 2016 में मैंने नेशनल लेवल पे 3 जो है ना वो कॉम्पिटिशन विन कर लिए थे। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा मुझे बताएं, सिर्फ रिटर्न और फिर उसके बाद इसको एक पेंटिंग की सूरत में लेके आना, कलर्स का इंतखाब करना, जी जी।
कैसे सेलेक्ट करते हैं, स्टार्ट कहाँ से लेते हैं? ये बेसिकली जब आप किसी जो हम क्योंकि हम मुसलमान हैं ना, ठीक है, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम किसी वाक़े से या किसी इस्लामिक इंसिडेंट से हम इंस्पायर्ड होते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी कलर स्कीम और वो सारी चीज़ें जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है हमने इस मौके पर जैसे वाक़े करबला की अगर बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक पेंटिंग बनाई, कलर्स का इंतखाब उसके अकॉर्डिंग कर लिया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इसके लिए क्या कोई खुसूसी पेंसिल होती है? क्योंकि हर पेंटर जो होता है ना उसको अपने ब्रश से बड़ा प्यार होता है, सो पेंसिल का इंतखाब कितना अहम होता है और क्या एक स्पेसिफिक पेंसिल होती है? आर्टिस्ट को किसी स्पेसिफिक पेंसिल या ब्रश की जरूरत नहीं होती, मैं तो सिंपल पेज का भी कलम बना लेता हूँ। जी जी, चलें, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा क्या ये बहुत महंगा शौक है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कलर्स खरीदने पड़े बहुत महंगे होते हैं, कैनवस ये वो एक महंगा तरीन शौक है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखें हम लोग, हमारा मसला ये है कि हम अगर 40-50 हज़ार रुपये का मटेरियल बाय कर लेते हैं तो हमें ये लगता है कि हमने अपने बच्चे पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है और उसके बाद अब अर्निंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब दूसरी साइड पे देखा जाए एक डॉक्टर के साथ जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं अपने बच्चे को, उस पर करोड़ों रुपए की डिग्री, उसके बाद उसके सालों की मेहनत, वो सारी चीज़ें, उसके बाद जाके वो बच्चा जो है ना 2-3 लाख रुपए कमाने के काबिल होता है, ठीक है। और यहाँ पे आर्ट की फील्ड में हमें ये लगता है कि हम 40-50 हज़ार रुपये जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करके हमारा बच्चा अर्निंग स्टार्ट कर ले, ऐसे नहीं होता। एक प्रोसीजर होता है, उसमें से आपको गुजरना पड़ेगा। जब आप उस प्रोसीजर में से गुजरेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा उस फील्ड में माहिर भी होगा, कामयाब भी होगा और अपने शौक को भी पूरा कर लेगा। अली, ऑप्शंस बहुत ज्यादा है ना, अब आपको सोशल मीडिया ने इतना फास्ट कर दिया है कि हर कोई कहता है कि डिफरेंट चीज होनी चाहिए। जी जी। सो इस डिफरेंट की दौड़ में कुछ अच्छा करके दिखाना भी एक चैलेंज है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बिल्कुल भी चैलेंज नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं था, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं था, मेरे टोटल 5 दोस्त हैं जिन्होंने वक्तन फक्तन मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन मैं अकेला लगा हुआ था। और मुझे तकरीबन आज से 1 साल पहले मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया प्रॉपर के मैंने अब इसे अर्निंग करनी है, ठीक है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपनी गाड़ी भी है, हर चीज मैं अपनी हर चीज जो है ना वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा प्रोफेशन है अगर आप इसमें महारत करके इसको ज्वाइन करें, तो कैसा फीडबैक आता है? बिल्कुल, अब मैं 1-1.5 घंटे में जो पेंटिंग बनाता हूँ मेरी वो 1-1.5 लाख रुपए की सेल होती है। अब उसको अगर किसी जॉब वाले बंदे से आप कंपेयर करें तो वो पूरा महीना बेचारा मेहनत करता है, उसके बाद जाके उसको 1-1.5 लाख या 2 लाख या 5 लाख भी कर लें उसकी अर्निंग होती है, सैलरी होती है। तो मेरी जो है वो 1.5 घंटा 1 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे की पेंटिंग जो है वो 1 लाख रुपए की होती है। चलिए जी, बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या सिखाते भी हैं अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हैं आपसे सीखना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं सिखाता हूँ मुस्लिम टाउन मोड वहादत रोड पे। अच्छा, अब इसके साथ साथ जरूरी ये चीज है कि वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को इस फील्ड में आने नहीं देना चाहते कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, या फिर ऑब्वियसली हर किसी का शौक होता है डॉक्टर बन जाए, टीचर बन जाए या किसी बड़ी सर्विस को ज्वाइन करें। तालीम जो है ना बेसिकली हमारे पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये कि हम तालीम पैसों के लिए जो है ना वो हासिल करते हैं, तालीम शऊर के लिए होनी चाहिए, ठीक है। जो अर्निंग है ना उसके लिए आपको कोई स्किल सीखनी पड़ती है और ये बकायदा स्किल है, ठीक है। और जिस तरह एक मेडिकल की फील्ड में वो एक बकायदा स्किल होती है, डॉक्टर एक स्किल्ड पर्सन होता है, जब वो स्किल्ड होता है तब जाके वो अर्न करता है, इसी तरह ये भी एक स्किल है। तालीम को हमेशा शऊर के लिए रखना चाहिए, उसमें जो हम बच्चों को रटे लगवा के कहते हैं ना जी बच्चे जो है ना वो हमारे 1100 में से 1100 नंबर लें, वो बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। उसकी वजह से हमारे बच्चे का जो बिल्कुल एक वो होता है ना वो खत्म हो जाता है और प्रेशर बच्चे जो हैं वो एक्स्ट्रा ले लेते हैं और उस तरह से परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उन्हें अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है? हाँ बिल्कुल, अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें, किसी अच्छे टीचर के पास जो है ना क्लासेस लें और वो विद इन 2 ईयर्स मैं गारंटी देता हूँ अगर वो प्रॉपर सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से यूज़ करें तो वो कामयाब हो सकते हैं। सही, इसके लिए कोई एज की कैद नहीं है, मतलब नहीं। अगर आप कहीं दूर दराज हैं, कम वसाइल हैं, आप कर सकते हैं कि इसके लिए पैसे भी होना ज़रूरी है? अमेरिका से मेरी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, उनकी एज जो है ना वो 50+ है। अच्छा, ठीक है। और बहुत अच्छी कैलीग्राफर हैं, पेंटिंग्स अब वो सेल भी कर रही हैं, आज से कुछ 6 मंथ पहले उन्होंने मेरे पास कोर्स ज्वाइन किया था, ठीक है। तो अब वो बड़ी अच्छी कैलीग्राफी भी कर रही हैं और उसको पेंटिंग्स को सेल भी कर रही हैं, तो इसमें एज का कोई वो नहीं है,
इटली से भी हैं और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से मेरी एक स्टूडेंट है, पाकिस्तान से भी है। कैसा टैलेंट देखते हैं? पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, मसला ये है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर दें बच्चा खुद ही अपने आप को। क्या हमारे पास आर्ट गैलरीज की भी कमी है? नहीं, आर्ट गैलरीज हैं, बस मसला ये है कि हम लोग जो है ना वो एक्सप्लोर नहीं करते चीज़ों को। आप देखें इस्लामाबाद में, लाहौर में बेशुमार गैलरीज हैं। हाँ, छोटे शहरों के अंदर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे भी ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो प्रॉपर वहाँ पे भी ये फैसिलिटेट करें बच्चों को। चलें जी, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप किसी भी फील्ड में शौक रखते हैं ना, तो उसमें मेहनत एक पहला की पॉइंट है। मेहनत करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एकदम से कामयाबी किसी को नहीं मिल जाती है। किसी भी देख लें, जो कामयाब तरीन लोग हैं उनकी एक स्ट्रगल होती है, उनकी एक हिस्ट्री होती है, और उन्होंने एक लंबा टाइम स्ट्रगल की होती है जिसके बाद कामयाबी उनकी जमानत बनती है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों? सिर्फ एक पेरेंट्स के लिए मैसेज है, कभी भी फील्ड का स्कोप नहीं होता, बंदे का स्कोप होता है। और कभी भी अपने बच्चे को अंडर एस्टिमेट ना करें कि ये इस टैलेंट की बेस पे ये नाकाम हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। वो बच्चा हो सकता है उस टैलेंट की बेस पे आपका नहीं, आपकी पूरी फैमिली का नाम रोशन कर दे पूरी दुनिया के अंदर। ये बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि हमें अपने बच्चे की स्किल्स को निखारना चाहिए। ज़रूरी नहीं अगर वो डॉक्टर नहीं बन सका तो उसके अंदर कोई ऐसी स्किल नहीं। अल्लाह ताला ने हर किसी के अंदर एक स्पेशल सलाहियत रखी है। आपके बच्चे का जो शौक़ है उससे वो करने दें, जो सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहता है उसको वो पढ़ने दें। जब अपनी मर्ज़ी से बच्चे अच्छे तरीके से काम करना शुरू करते हैं, शौक से भी करते हैं, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू सो मच। नाजिन, आप अपना ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ मैं हमेशा ये कहती हूँ, अगर आपने कोई टैलेंट है, आप भी इस तरह चाहते हैं कि हमारे शो का हिस्सा बने, तो ज़रूर अपना टैलेंट हमारे साथ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ जिनकी कल बर्थडे है, नंबर स्क्रीन पर है जी, आप इस नंबर पर अपनी पिक्चर्स और अपना नाम व्हाट्सएप करें। कल के शो में आपकी बर्थडे भी विश की जाएगी, आपकी बर्थडे को भी ऐसे ही स्पेशल बनाया जाएगा। फीडबैक और सजेशंस हम तक ज़रूर पहुंचाएं। अगर आप कुछ चाहते हैं कि ऐड किया जाए, अगर आपके इलाके का कोई भी इशू है, हम तक ज़रूर पहुंचाएं, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।